अस्सलाम वालेकुम। बहुत सारे हमारे पाकिस्तानी भाई ये बात कह रहे हैं कि यार ज़का अशरफ कल वहाँ गए थे, कोई सेटिंग हुई है, पैसों का गेम है, इसलिए हम हार गए। ओ भाई याद रखें, हमें हराने के लिए इंडिया को पैसा बर्बाद करने की ज़रूरत नहीं है सर। इस वक्त सच्चाई को माने सर, उनकी टीम हमसे वनडे में बहुत आगे। हाँ T20 में मेरे ख्याल में हम उनके बराबर हैं, लेकिन वनडे में वो हमसे बहुत आगे हैं, सच्चाई को माने। दूसरी चीज़ सर, वहाँ पर मुझे ऐसा लगता है कि मेरिट चलता है। देखें टीम में कोहली बहुत बड़ा प्लेयर है, रोहित है, लेकिन सर स्टिल मतलब सही है, पॉलिटिक्स भी होती है सारी चीज़ें, बट सर स्टिल मुझे ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं मेरिट चलता है। उनको पता है हमारे यहाँ पर दोस्तियाँ यारियाँ पसंदीदगियाँ ज़्यादा चलती हैं। अब आप मुझे बताएं, शादाब खान क्या कर रहा है सर टीम में, वनडे टीम में क्या कर रहा है? और सिर्फ वो टीम में नहीं, वो वाइस कैप्टन भी है सर, क्या परफॉर्मेंस है उसकी? मुझे तो याद पड़ेगा आखिरी 2017 में वनडे में उसने जो युवराज को आउट किया था और पैडे पैडे कहा था, बस और क्या है सर। माने हमारी टीम जो है सर, जो है जिसको कहा जाए ना कि सर इंडिया के लेवल की अभी टीम नहीं है वनडे में। हाँ T20 में इंशाल्लाह उनको हम अभी पहले भी मारा है पिछले एक दो सालों में, और आइंदे आगे भी मारेंगे। लेकिन अगर आप पिछले सर 12-15 साल उठा लेना, तो मुझे तो सिर्फ 3 जो है पाकिस्तान की विक्ट्रीज याद है इंडिया के अगेंस्ट वनडे में। एक जो हम वहाँ पर हमने उनका टोर किया था, 2-2 में चढ़ाए थे, उसमें वो जो हमारा लड़का था, क्या नाम है उसका, जो कि नवी पास था और जो कि चीटर जो कि पकड़ा भी गया था किसी मैच फिक्सिंग वगैरह में, उसने कोई सेंचुरी मार दी थी, 2-2 मैच हम तब जीते थे। और सर तीसरा मैच हम जो ये चैंपियंस ट्रॉफी 2017 में जीते हैं, इसके अलावा हम 15 सालों में इंडिया से जीते क्या है सर वनडे में? कुछ भी तो नहीं। फिर भी वही स्क्रीनिंग, ये वो जज्बाती, फिर परेशान के भाई फिक्सिंग है। ओ भाई मानो कि टीम में हमारी इस वक्त सर वो कैपेबिलिटी नहीं है वनडे में, हमारा फोकस सारा T20 पे है, क्योंकि हम वनडे खेलते ही कितने। तो खैर ये फिक्सिंग का दिमाग भूत से निकाल दो कि ज़का अशरफ गया था, ये हुआ था, वो हुआ था। ओ भाई उनको पैसे बर्बाद करने की ज़रूरत नहीं है। ख्याल रखिएगा अपना, दुआ में याद रखिएगा।